चुनाव से पहले नेताओं का दल बदलने का दौर जारी है कांग्रेस ने दूसरे चरण के मतदान से पहले बीजेपी और समाजवादी पार्टी को तगड़ा झटका दिया एक और जहां पूर्वांचल के कद्दावर नेता और आजमगढ़ से बीजेपी के पूर्व सांसद रमाकांत यादव ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की तो वहीं अखिलेश सरकार में मंत्री रहे राजकिशोर सिंह भी समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए आपको बता दें कि राजकिशोर सिंह बस्ती की हरैया सीट से तीन बार विधायक रहे हैं इतना ही नहीं वो मायावती मुलायम और अखिलेश सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं जानकारों की माने तो राजकिशोर पार्टी से बस्ती लोकसभा सीट से टिकट मांग रहे थे लेकिन ये सीट बसपा के खाते में गई और बसपा ने वहां से पूर्व मंत्री राम प्रसाद चौधरी को टिकट दिया जिसके बाद नाराज होकर राजकिशोर ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनऊ से अनिल सैनी की रिपोर्ट